मलबे में तब्दील हो चुके ये मकान सरकारी अधिकारियों की कारस्तानी का नतीजा है। दिवाली से पहले घर को सजाने और सवारने की तैयारी हो रही थी, कई ख्वाब भी बुने जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की गलतियों ने इनके सारे अरमानों पर बुलडोजर चला दिया। रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से मकान बनाए गए थे, उनको जमींदोज़ कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, इन मकानों में वो मकान भी शामिल हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये शासन ने देकर बनाए थे। पूरी कार्यवाही हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल उस पर नहीं उठाए जा सकते, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। हाँ बताइए, क्या हुआ? हमारा मकान भी गिरा दिया गया है। पहले बोला कि कच्चे मकान दो चार गिरा दो, अब वापस मशीन चली जाएगी। फिर एक जने दाढ़ी वाले माने के मोबाइल में नंबर आया, देखा वो नंबर को तो उसमें कैश रहा, तो बोला वो कि पूरा सप्लाई कर दो। तो पूरी मशीनें, पांच मशीनें आ करके माने पूरा माने सप्लाई कर दिए गए। पैसा किसने दिया था? आवास योजना के मोदी ने दिया पैसा, प्रधानमंत्री मोदी के तहत इनको पैसा मिला था, ऐसा इनका कहना। बताइए। हमको 1,30,000 मिला था घर बनवाने के लिए, मोदी दिए, हम उतने में घर नहीं बना, मजदूरी कर करके जोर जोर कर घर बनाया, वो घर हमको हमारा गिर गया। सर मेरा घर को गिरा दिया गया है, जो कि आवास के तहत भी था और जो हम लोग अपने से भी बनवाए थे, पापा मेरे कर्जा कर के और लोन लेके बनवाए थे। अभी तक हमारा लोन भी नहीं पूरा चुका है, पापा की डेथ हो गई है और कर्जा भी है गांव में जो हम नहीं भर पाए, मेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा। कहां पर? हमारा घर यहाँ रहा था नहीं, गैर आवास का नहीं, तो यहाँ तीन कमरा बनाए थे तो वहाँ गिरा दिए, बोले कि कच्चा गिर जाएंगे, पक्का नहीं गिरेंगे नहीं आवास वाले, फिर भी गिरा दिए हैं। तब हम लोग छोटे छोटे बच्चा लेके कहाँ जाएं, जौन गल्ला पानी रहा तो पूरा दब गया है, तब उसमें हम कुछ यहाँ सुनाई नहीं हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं साहब, भाई घर गिरा दिए। कैसे? जब घर गिराया गया तुम कहाँ थे, तुम्हारे माता पिता कहाँ थे? हम घर में नहीं थे, फिर पता चला कि जेसीबी आ रही है तो हम लोग जल्दी जल्दी घर खाली करने लगी। कितना खाली कर लिया? पिताजी नहीं है? पिताजी, अम्मा नहीं है? मैं नहीं रहा, मैं रीवा में था। पहले तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा खाली करने के लिए, फिर उसके बाद रीवा मालूम पड़ा, उसके बाद सामान वामान तारा वारा बंद रहा, फिर कहीं पूरी बार निकाले उकाले निकाली, कुछ निकला कुछ दब गया सब। ये समस्या यहाँ पर एक आदमी की नहीं है, आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग नजर आ रहे हैं, लगभग कितने परिवार होंगे जिनके घर तोड़ दिए गए? अरे कितने परिवार टोटल, कितने लोगों का मकान टूटे? 23 आदमी का। 23 परिवार, इसका सीधा सा अर्थ है लगभग 100 लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन आज उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं। प्रशासन ने मकान तो तोड़ दिया, लेकिन इनके लिए अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि लगभग एक महीना बीतने को आया, जिस तरीके से ये लोग जिस हालात में रह रहे हैं, ये वाकई काफ़ी सोचनी काफ़ी चिंतनी विषय है। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा के रहट गांव में कई घर तालाब की मेड़ पर बने थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन मकानों को हटाने का आदेश दिया था। गांव वालों का आरोप है कि ये नोटिस सिर्फ 10 घरों को दिया था, जबकि प्रशासन की टीम ने 23 घरों पर बुलडोजर चला दिया। हमारा मकान गिरा दिया गया, जबरदस्ती गिराया गया। पहले वहां से आदेश आवा कि मटिया घर दो चार गिरा दो, वापस आ जाओ। फिर वहां से मोबाइल में दाढ़ी वाले के माने कैश गया, तो दाढ़ी वाला बोला कि पूरा सफाई कर दो, तो पूरा सफाई कर दिया गया। आपने मकान कहाँ से बनाया था, कहाँ से कर्जा लिया था? कर्जा शासन ने दिया मोदी, सुनाई 1.5 लाख की, पाए हम 1,20,000 पाए।
जिन मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई उनमें से कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन मकानों को नोटिस मिला था उन्होंने अपना सामान निकाल लिया था, लेकिन जिन्हें नोटिस नहीं मिला उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। और घर यहाँ पे इस तालाब के मेड़ में निवासरत था, अचानक प्रशासन के द्वारा 23 लोगों का घर जमी दोष कर दिया गया, जिसमें से 10 लोगों को नोटिस दिया, उनका घर तो गिरा ही गिरा, लेकिन 13 ऐसे परिवार हैं जिनको बिना नोटिस के घर गिरा दिया गया। कुछ इन गिरे हुए मकानों में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ के माताएं हैं, कुछ के पिता नहीं है, इस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने के लिए, उनकी किताबें भी आनन फानन वो जमी दोष के दौरान वहीं पे दब गईं, उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके रहने के लिए कपड़े नहीं है। जिन मकानों को तोड़ा गया उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है, मजदूरी करके वो दो वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। तिरपाल के नीचे रखे सामान को छोड़कर वो मजदूरी करने नहीं जा सकते, ऐसे में दो वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा, ये चिंता उन्हें परेशान कर रही है। पहले मेरे पापा की देहांत हो गई, ना ही मेरे बाबा है, मेरा घर भी गिरा दिया गया, मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, मैं पैरामेडिकल कर रही हूँ तो मेरा घर भी गिरा दिया गया, जो कि आवास में था, नोटिस भी नहीं दी गई थी, फिर भी हमारा घर गिरा दिया गया। आवास का मतलब प्रधानमंत्री आवास? हाँ, प्रधानमंत्री मिले थे। हाँ, मिले थे प्रधानमंत्री आवास, 1,20,000 मिले थे उसमें। किसके नाम से? पापा के नाम से। एनडीटीवी हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन ग्रामीण के आरोपों के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल जरूर उठते हैं। जिन मकानों को जमींदोज किया गया उनसे कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर जमीन गलत थी तो पीएम आवास योजना के घर उस पर आखिर कैसे बने, आखिर सरपंच और सचिव ने इस जमीन पर मकान बनाने के लिए पैसे दिए ही क्यों, जिन घरों को नोटिस भी नहीं मिला था उन मकानों को आखिर क्यों तोड़ा गया, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को क्या फिर से मकान बनाकर दिए जाएंगे, इस कार्रवाई के बाद क्या प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, या तोड़े गए मकानों पर हुआ खर्च क्या अधिकारियों से वसूला जाएगा। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आश्वासन दिया कि जो लोग पात्र हैं उनके घर फिर से बसाए जाएंगे। हालांकि अधिकारियों की गलती की बात करें तो इस पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली। रहट में जो अतिक्रमण हटाया गया था वो सरकारी भूमि पर था और वो तालाब की भूमि है, तालाब की भूमि के मेड़ पर किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण है वो अनुमत नहीं है, इसलिए वो जो निर्माण कार्य थे उनको हटाया गया है। लेकिन बाद में ये भी संज्ञान में आया, उसमें से कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और उसमें से कुछ हालांकि लोग ऐसे थे जिनके अन्यत्र दूसरी जगहों पर मकान भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार की संख्या बढ़ चुकी है, तो यदि वो जो पात्रता की परिभाषा है परिवार की उसमें आता है तो उनके लिए हम लोगों ने एक आबादी की भूमि भी चिन्हित की है और उनमें से जो भी पात्र परिवार होंगे उनको पट्टे दिए जा सकते। ठंड का मौसम आ रहा है और छत अब चली गई है, लोग तिरपाल के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। प्रशासन की कार्रवाई से करीब 100 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। फिलहाल इन ग्रामीणों का अब आगे क्या होगा ये सवाल बना हुआ है। एनडीटीवी के लिए रीवा से जावेद अंसारी की खास रिपोर्ट। मलबे में तब्दील हो चुके ये मकान सरकारी अधिकारियों की कारस्तानी का नतीजा है। दिवाली से पहले घर को सजाने और सवारने की तैयारी हो रही थी, कई ख्वाब भी बुने जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की गलतियों ने इनके सारे अरमानों पर बुलडोजर चला दिया। यहाँ पर पूरी तरीके से मकान बनाए गए थे, उनको जमींदोज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, इन मकानों में वो मकान भी शामिल हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये शासन ने देकर बनाए थे। पूरी कार्यवाही हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल उस पर नहीं उठाए जा सकते, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। हाँ बताइए क्या हुआ। हमारा मकान